बॉलीवुड में जितना मुश्किल है नाम कमाना, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है बॉलीवुड में आना। बॉलीवुड में आने में जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम लगता है बॉलीवुड से निकल जाने में। आखिर ऐसा क्या हुआ सूरज पांचोली के साथ, आदित्य पांचोली के बेटे जो कि हैं, जो अब बॉलीवुड में इनका कहीं भी जिक्र नहीं देखने को मिलता और ना ही ये नज़र आते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज हम बात करेंगे सूरज पांचोली आखिर क्यों नहीं दिख रहे हैं बॉलीवुड में, आखिर कहाँ हैं ये बिजी, और साथ ही साथ इनकी मूवीज आने वाली है या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी, वेलकम टू सिनेमा विद रीति। आज हम बात करने जा रहे हैं सूरज पांचोली के बारे में, जिन्होंने अपना पहला हीरो मूवी दिया था 2015 में, जिन्होंने कि अपने इस मूवी से अपना डेब्यू फिल्म किया था और साथ ही साथ मूवी में देखने को मिली थी आतिया सेट्टी और सूरज पांचोली। हीरो मूवी को ऑडियंस और फैंस के द्वारा काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और मूवी में हमें रोमांटिक सीन्स और इमोशन से भरा हुआ और साथ ही साथ लव स्टोरी देखने को मिली थी। नेक्स्ट हमें सूरज पांचोली का एक सॉन्ग आया था जिसका नाम था जीएफ बीएफ, जो कि नजर आई थी इसमें जैकलिन फर्नांडीज। इसके बाद सूरज पांचोली का 2019 में एक मूवी देखने को मिला जिसका कि नाम था सैटेलाइट शंकर, जिसे कि बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, ना ही ऑडियंस के द्वारा और ना ही फैंस के द्वारा। तब से अब तक सूरज पांचोली का कोई भी फिल्म हमें देखने को नहीं मिला है, ना ही कोई अपडेट मिला है फिल्म के बारे में, ना ही कोई अनाउंसमेंट हुआ है कि सूरज पांचोली का कोई नेक्स्ट फिल्म आने वाला है। सूरज पांचोली का मूवी न आने का एक ये भी रीज़न है क्योंकि सूरज पांचोली इस टाइम बहुत बिजी चल रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, जहाँ जिया खान का मौत हुआ था 3 जून 2013 में, उसी के विवादों में उलझे हुए हैं। एक बार फिर से जिया खान के केस का जाँच पड़ताल किया जा रहा है, वहीं जिया खान की माँ जिनका कि नाम है राबिया खान, वे ये बयान देने के लिए भी राजी हो गई हैं कि आखिर क्या था रीजन जिसकी वजह से सूरज पांचोली ने मेरी बेटी को मार दिया, आखिर क्या सूरज पांचोली सच में जिया खान को डेट करते थे, अगर ये थे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो आखिर इन्होंने क्यों जिया खान का मर्डर किया, क्या रीजन है जिया खान के सुसाइड का, ये अभी तक कुछ भी क्लियर पता नहीं चला है। लेकिन इतना जरूर पता चला है खबरों के मुताबिक कि जिया खान और सूरज पांचोली जो कि रिलेशनशिप में थे, लेकिन आपसी मनमुटाव होने के कारण जिसकी वजह से जिया खान ने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कर लिया, जिसकी वजह से वे डिप्रेस्ड हो गई थी और बाद में उन्होंने सुसाइड कर लिया। आप सभी को क्या लगता है इस बारे में, आखिर सूरज पांचोली कहाँ गुम हो गए हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री से, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए सिनेमा विद रीति में।